हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम ऋषभ और फाइनली Hyundai ने अपनी Alcazar लॉन्च कर दी है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर आई है और मैं आपको बताने वाला हूँ आज इसके ऑन रोड प्राइसेस और इस प्राइस का होने का राज। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार 16 लाख फॉर अ बेस मॉडल बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा केस नहीं है। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस का क्या राज है और ये बिल्कुल भी एक बुरी प्राइस नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, चाहे वो Alcazar चाहे कोई और गाड़ी। और इनफैक्ट Alcazar के भी कंपैरिजन आने वाले हैं MGX+, टाटा सफारी सब के साथ। तो बात वही आ जाती है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज रियली इंपॉर्टेंट। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, अगर आपको एक पुरानी गाड़ी है जिसे बेचना चाहते हैं, तो कास 24 जेन्युइनली काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन जरूर करवा लें, आपको मिल जाएगी बेस्ट प्राइस और आप साथ में फ्री RC ट्रांसफर भी मिलेंगी। इंस्टेंट पेमेंट्स की ऑप्शन भी है, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें, पुरानी गाड़ी की वैल्यू अभी जाने बेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। बात करता हूँ Hyundai Alcazar की प्राइस की, तो सारे सोच रहे हैं कि यार 16 लाख का बेस मॉडल, लेकिन कभी बेस मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ मिली है? नहीं ना। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर मैं एक एक आपको दिखाने वाला हूँ, वो दिखा के भी आपको, हालांकि ये बेस मॉडल नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइस हियर। एंड आपको ये भी बता दूँ कि इस गाड़ी के जो ऑन रोड प्राइजेज़ हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, उसे चेकआउट ज़रूर कर लें। वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज आप जानते हैं कि हर स्टेट की ऑन रोड प्राइस यानी कि आफ्टर टैक्सेस प्राइस डिफरेंट होती है। मैं किसकी बताऊं फिर? तो जिस स्टेट के आप हैं, आपको हमारी वेबसाइट यानी कि thecarguide.in पे उसकी ऑन रोड प्राइजेज़ मिल जाएंगी, तो उन्हें चेकआउट ज़रूर कर लें। प्राइस में मैं आपको बता रहा था कि बेस मॉडल को फीचर वाला रखने का, यानी कि जिसमें टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ दे रहे हैं ये, फॉग लैंप्स हो गए, LED ऑफ कोर्स, एंड बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन सारी चीज़ों देने के साथ क्यों उन्होंने ये प्राइस, मतलब बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स दिए हैं, उसका मेजर रीज़न ये है क्रेटा। क्रेटा देखो शुरू हो रही है 10 लाख से, ठीक है कि नहीं? अगर इसको 7-सीटर वर्जन को करीब 1 या 1.5 लाख उससे महंगा करते तो क्रेटा की सेल पे काफ़ी फ़र्क आना था। लेकिन अगर Alcazar शुरू ही मिडिल मॉडल से हो रही है, या फिर अगर मैं कहूँ उसके ऑलमोस्ट टॉप मॉडल से, जैसे क्रेटा में SX मॉडल आता है एक वैल्यू फॉर मनी, तो बेस मॉडल इसका काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। चलो वो हम डिफरेंटली अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ कि प्राइस मिडिल मॉडल से शुरू करने का बेनिफिट ये होगा कि क्रेटा की सेल्स पर फ़र्क नहीं आएगा। जिसने क्रेटा लेनी है, जिसका बजट क्रेटा तक ही रहता है, 16-17 ऑन रोड, 18 तक भी जो जा रहे हैं SX मॉडल में, बहुत सारी सिटीज़ में 20 लाख तक भी उसकी प्राइस जा रही है, टॉप मॉडल के फीचर्स वगैरह को देखते हुए 5-सीटर अगर आप लेना चाहते हो तो क्रेटा एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहती है। लेकिन अगर इसको भी एक 12-13 लाख से शुरू कर देते, कोई फीचर्स ना देते, ऑफकोर्स इजीली कर सकते थे शुरू, कोई बड़ी बात नहीं थी, फीचर्स ना होते तो इसकी प्राइस कम होती, लेकिन उसे क्रेटा पे सेल्स का बहुत फ़र्क पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, Alcazar में आपको काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, मिडल में ही आपको काफ़ी अच्छी प्राइस से उसको शुरू हो जाती है, यानी कि 16 लाख में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। एंड टॉप मॉडल तो ऑफकोर्स है 19.99 लाख का एक शोरूम ऑटोमेटिक, तो उसके साथ भी ऑन रोड 22 लाख तक चली जाती है। नाउ दैट्स अ रियली रियली गुड प्राइस ऑनेस्टली, एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है Alcazar की प्राइसिंग। एक 7-सीटर 6-सीटर ऑप्शन, इतनी बड़ी डायमेंशन वाली गाड़ी, व्हील बेस इतना ज़्यादा, स्पेस इतनी ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें जाननी है तो वॉक अराउंड हमारा ज़रूर देख लें और ड्राइव रिव्यू भी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे Alcazar के। ये था मेरी तरफ से ऑन रोड प्राइस। क्या था ऑन रोड प्राइस? वेबसाइट पर चेक कर लें अपनी स्टेट का, एंड उसके अलावा प्राइस के बारे में मेरा अपना ओपिनियन। परफेक्टली प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।